दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की अगर बात करें तो बहुत ही वाहियात परफॉर्मेंस अभी दिखाती हुई आ रही है। खासतौर पर उनका जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो तो यार ऐसे बॉलिंग कर रहा है जैसे कि उनका मन ही नहीं हो, जबरदस्ती उन्हें पकड़वा के खिला रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक तरह से जो जॉब होती है ना, बैठे रहो और खाते रहो, वो वाली जॉब अभी टीम केकेआर में कुछ कोचेस की चल रही है। बट अगर सारे क्रिटिसिज्म को एक तरफ कर दें, मान लेते हैं टीम का फॉर्म नहीं चल रहा या कुछ भी नहीं चल रहा है, तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों टीम केकेआर के लिए अभी भी देर नहीं हुई है। टीम केकेआर यहां से 3 मुकाबले जीता हुआ है, तो टीम केकेआर यहां पर उनके 6 पॉइंट्स हो चुके हैं। और इसी बीच अब उनके पास जो 5 करो या मरो के मुकाबले हैं, 5 मुकाबले अगर वो जीत ले तो 10 पॉइंट और ले लेगा, तो इस बीच वो 16 पॉइंट कुल मिलाकर ले लेगा। और आप जानते हो कि 16 पॉइंट वो जरूर हासिल कर लेगा तो प्लेऑफ में पहुंच जाएगा। यही नहीं दोस्तों, अगर कोई टीम मोमेंटम शिफ्ट करती है और लगातार 5 मुकाबले अपने डू ऑर डाई के जीतती है तो कुछ उसमें बड़ी जीतें भी जरूर होंगी, और यही बड़ी जीतें उनको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है उनकी नेट रन रेट के सुधार में भी। तो एक बहुत जरूरी डिस्कशन और यहां पर काफी कुछ टीम केकेआर को अब सोचना होगा। खास तौर पर टीम ओनर्स को भी बीच में आना पड़ेगा। ये सीजन अगर टीम केकेआर प्लेऑफ से बाहर हो जाती है, बचे हुए 5 मुकाबले हार भी जाती है, बट अगर इंटेंट वाइज शो अच्छा नहीं करती है तो केकेआर मैनेजमेंट में से काफी सारों को फायर कर दो, या फिर पूरी की पूरी जो मैनेजमेंट है उसको फायर कर दो और एक यहां पर स्क्रैच से नई टीम बनाओ, नई मैनेजमेंट बनाओ। 1-2 साल इधर उधर हो जाएंगे, फैंस आपके साथ हैं, बट यार हर साल का यही एक रोना तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप कमेंट करके जरूर बताओ क्या क्या चेंजेस केकेआर में होने चाहिए और क्या केकेआर इस बार प्लेऑफ्स पहुंचेगी या फिर केकेआर का सफर हो चुका है समाप्त। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।